हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिदेक एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, क्या आपके नेक बैंड में जब आप किसी से बात करते हैं या फिर गाने सुनते हैं तो आपको फटी हुई आवाज या फिर क्रैकलिंग साउंड आता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्रैकलिंग साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला तरीका, ड्राई योर हेडफोन यानी ड्राई योर ब्लूटूथ। बेसिकली क्या होता है, बहुत बार जाने अनजाने में हमारे जो ईयरबड्स होते हैं इसमें पानी चला जाता है, किसी भी वजह से चला जाता होगा। खाने के टाइम हो सकता है आप इसे गले में पहने रहते हो, या फिर मुंह धोने के टाइम, या फिर बारिश में भीग गए हो तो इसमें पानी चला जाता है। तो क्या करना है, हम सबके पास घर में ब्लो ड्रायर होता है, ब्लो ड्रायर, ठीक है, इससे हम अपने बाल सुखाते हैं। तो इसकी मदद से आपको दोनों ईयरबड्स को सुखा लेना है। तो कैसे करते हैं, मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। तो इस तरीके से आप थोड़ा और देर तक अच्छे से सुखा सकते हैं, अंदर जो भी नमनेस हो, पानी हो, सब क्लीन हो जाए, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कनेक्ट करके अपने फोन में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। अगर अभी भी आपके हेडफोन में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, फटा हुआ आवाज अभी भी आ रहा है, तो तरीका नंबर 2, क्लीन योर ईयर वैक्स। देखिए यहां पर जब भी आप अपने हेडफोन्स को कान में लगाते हैं तो आपकी कान की गंदगी, जिसे हम बोलते हैं ईयर वैक्स, वो इसकी जाली में जो होती है, यहाँ पर एक जाली होती है, इसमें जमा हो जाती है। तो आपको इसे निकाल देना है, इस रबर को, और एक ईयरबड्स ले लेना है इस तरीके से। और ये तो आपके घर में होता होगा या फिर कहीं पर भी इजीली मिल जाएगा। इसे पूरा ये साफ कर दें, इसकी वजह से बहुत बार फटी हुई आवाज आती है। अच्छे से क्लीन कर लें आप इसे, इसी तरीके से दोनों को आप क्लीन कर लें, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से क्लीन कर लें, निकाल के चाहे तो आप क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद अब आप देखें आपकी साउंड में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, आपकी साउंड बहुत ही क्लीन आने लग गया होगा, ठीक है। अब आपने ये सब कर लिया, प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो आपको अपने हेडफोन को या तो रीसेट करना है, या तो कुछ हेडफोन्स रीसेट नहीं होते हैं तो उन्हें सब डिवाइस से अनपेयर करना होता है, डिस्कनेक्ट करना होता है। तो देखिए, रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपके हेडफोन में वॉल्यूम बटन है, दोनों को एक साथ दबाना है, दोनों को एक साथ दबाइए जब तक यहाँ पर रेड लाइट ना आए। जो ब्लू लाइट यहाँ पर जल रही थी, वहां पर रेड लाइट आएगी और ये रीसेट हो जाएगा। बट मेरा जो ये हेडफोन है, ये इस तरीके से रीसेट नहीं होता है। मुझे इसे रीसेट करने के लिए जिस फोन में ये कनेक्ट है अनपेयर करना होगा। तो आपको आपके फोन में जाना है और यहां पर ब्लूटूथ में चले जाएं। ब्लूटूथ में जाने के बाद यहां पर सेटिंग्स में जाएं और ये पैड होगा, ये डिवाइस पैड होगा, तो देखिए मेरे में पैर है, तो ये आई के बटन पे क्लिक करके मैं इसे यहां से अनपैर कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसे अनपैर कर दिया है। इसके बाद अब आपको इसे बंद करना है, बंद कर देना है ब्लूटूथ को, बंद कर दिया आपने। अब इसे वापस चालू कर लें, तो ये चालू हो चुका है। अब इसे वापस से कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन में, रिफ्रेश कर दीजिए फोन में, तो ये आ गया है। तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं, तो पैर कर लेते हैं यहां पर, तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसमें साउंड सुनेंगे तो आपकी क्रैकलिंग की साउंड डेफिनेटली सही हो जाएगी। अगर कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी और आपका नेक बैंड वारंटी में है,
तो आप सर्विस सेंटर में इसे फ्री में रिप्लेस करा सकते हैं, वो आपको नया दे देंगे अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है तो। बट मैं उम्मीद करता हूँ इन तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो टेक्सोरो को सब्सक्राइब जरूर कर दें।